60+ दुकानों पर गांध चलने वाली है, रोजगार के बदले क्या रोजगार मिलेगा? कोई बलडोजर नहीं चलेगा। आम जनता काफी ज्यादा इस वक्त निराश नजर आ रही है, क्या कहें? जनता खुशी, जनता काफी ज्यादा निराश है। देखिए आम जनता कह रही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के बारे में सोचा नहीं, कश्मीर घाटी में जाके सब कुछ करवाया। ये जम्मू स्मार्ट सिटी, रिंग रोड, एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू, रिवर फ्रंट, ये जो बन रहा है तवी नदी के किनारे, ये BJP ने दिया है। क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनेगी, और जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ भी BJP का चीफ मिनिस्टर होगा। गरीब हो, हम हमेशा उनके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं हम गरीबों के, ज़ईफ़ों के, बेसहारा लोगों के सेवादार हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र लाला जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज से 24 अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर के आखिरी तारीख तक जो है वो जनसंवाद अभियान देखने को मिलेगा। तो कितनी तैयारी भाजपा कर चुकी है इसको लेकर बातचीत करते हैं। 60+ दुकानों पर गांध चलने वाली है, रोजगार के बदले क्या रोजगार मिलेगा? कोई बलडोजर नहीं चलेगा। आपने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन सांसद जुगल किशोर शर्मा वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि बुलडोजर वहां पे चलेगा लेकिन रोजगार के बदले रोजगार मिलेगा, क्या रोजगार के बदले रोजगार दिया जाएगा? देखिए हम गरीबों के मददगार हैं, चाहे डेली वेजर हो, चाहे कोई गरीब हो, हम हमेशा उनके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं हम गरीबों के, ज़ईफ़ों के, बेसहारा लोगों के सेवादार हैं, खिदमतदार हैं। हमारा काम है गरीबों की मदद करना, सेवा करना, और इसीलिए मैं सबके साथ हूं और सबका भला करता हूं। यानी कि बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए, और अगर चल गया तो क्या रोजगार के बदले रोजगार मिलेगा, क्योंकि जगह भी निर्धारित की गई है लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। देखिए बुलडोजर जो है वो गरीब पर नहीं चलना चाहिए, बलडोजर चलना चाहिए जहाँ कोई गुंडागर्दी करे, जहाँ कोई चोर बाजारी करे, गरीब की मदद होनी चाहिए। मोदी साहब तो गरीब को मकान बना के दे रहे हैं, और हम तो गरीबों को 5-5 मरला फ्री जमीन दे रहे हैं, गरीबों को फ्री मकान, 5-5 लाख गोल्डन कार्ड, गरीबों को फ्री राशन, गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीब माता बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन, गरीब परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, गरीबों को मकान, ये काम तो मोदी सरकार करती है गरीबों का भला, हम तो सबका भला चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जन संवाद अभियान शुरू करने जा रही है, क्या लगता है कि जन संवाद अभियान से क्या ये सफल हो पाएगा, क्योंकि 2024 पार्लियामेंट्री चुनाव आने वाले हैं? देखिए यहाँ तक चुनावों की बात है, BJP सभी चुनावों के लिए तैयार है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे असेंबली है, पंचायत है, शहरी चुनाव हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा तो चुनाव आयोग ने करनी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जनसंवाद अभियान की, तो जो काम पिछले 9.5 साल में मोदी साहब ने किए, जो गरीबों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत मदद मोदी साहब ने की है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के गांव गांव, शहर शहर, वार्ड वार्ड जाकर आम लोगों से हम रूबरू होंगे, जनमानस से रूबरू होंगे, आवाम के साथ चर्चा करेंगे, लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे, लोगों की राय लेंगे, और जो मोदी साहब की स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। आम जनता काफी ज्यादा इस वक्त निराश नजर आ रही है, क्या कहें? जनता खुशी, जनता काफी ज्यादा निराश है। देखिए आम जनता कह रही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के बारे में सोचा नहीं, कश्मीर घाटी में जाके सब कुछ करवाया। ये जम्मू स्मार्ट सिटी, रिंग रोड, एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू, रिवर फ्रंट, ये जो बन रहा है तवी नदी के किनारे, ये BJP ने दिया है। गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, सब तो BJP ने किया है। गरीबों को 5-5 लाख गोल्डन कार्ड, फ्री राशन, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स, गरीब माताओं बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को फ्री मकान,
ये तो बीजेपी ने किया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। चलिए, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, जिस तरीके से 2024 पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है, जहां आम जनता के बीच जाएगी, रूबरू करेगी, सजेशन लेगी। और इन 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम लाई है लोगों के लिए, उनसे जो है वो बातचीत की जाएगी, जो बेनिफिशरीज हैं उनसे बातचीत की जाएगी और इन स्कीम्स के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे पर दावे कर रहे हैं और रविंदर राणा का ये दावा है कि 2024 में अगर कोई आएगा, तीसरा प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी से आम जनता खुश है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।